Good morning, all Servasians. Myself Shubhashish Sarkar from Servasios Private Limited. और आज सभी का स्वागत करता हूँ इस वेबिनार में, जहाँ पे आज हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस लेके चर्चा करने वाले हैं. सो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग. यस, सो अभी अभी मतलब दो दिन पहले ही हम लोग कोलकाता में एक धमाकेदार रीजनल कॉन्वेंशन कंडक्ट किए, राइट? सो उसके बाद ये पहला जूम वेबिनार सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से. सो मैं पहले ही आप सभी से पूछना चाहूंगा, कौन कौन अटेंड किए इधर, आज जो भी लोग हैं रीजनल कॉन्वेंशन में कौन कौन थे, और कैसा रहा वो, कितना एक्साइटिंग रहा, कितना एनर्जी मिला, और आगे बढ़ने का जो एक जोश, एक जुनून, एक एक्साइटमेंट, वो कितना तक आपको रहा उस प्रोग्राम से. जबरदस्त, राइट? सो यस, सुब्रतो सर गुड मॉर्निंग, चंचल सर गुड मॉर्निंग, अशित सर हैं, राफिया मैम गुड मॉर्निंग, रूना मैम गुड मॉर्निंग, नयन सर गुड मॉर्निंग. ओके नयन सर, सुपर, थैंक यू. एंड उसी जोश, उसी जुनून, उसी एक्साइटमेंट और उसी विजन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 2025 तक, जो हमारा मिशन है इंडिया में टॉप 5 में आने का, राइट? सो 25 तक हम लोग टॉप 5 में आ जाएंगे, उसका एक झलक रीजनल कॉन्वेंशन में हम लोगों को देखने के लिए मिला, राइट? सो उसी एक्साइटमेंट के साथ आज का प्रोग्राम हम लोग कॉन्डक्ट करेंगे, बिकॉज ये जो सुबह का मॉर्निंग वेबिनार हो रहे हैं, उधर से भी बहुत सारे लीडर्स का ये वक्तव्य था, उसका मतलब ये स्पीच था कि ये जो मॉर्निंग वेबिनार्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो एक योगदान है, ये भी हम लोगों को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो यस नयन सर, घर घर सर्वश्री, हर घर सर्वश्री, राइट? सो उसी जोश के साथ आज का मीटिंग भी हम लोग कॉन्डक्ट करेंगे. और दोस्तों, SHPL एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपको ये वादा किया जाता है कि जितना दिन तक ना आप अपने मुकाम तक पहुंच रहे हो, आप अपने सक्सेस जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हो, तब तक सर्वश्री का ये एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका हाथ नहीं छोड़ेगा. ऐसे ही आपको सपोर्ट करता रहेगा हर एक सेक्टर में, हर एक आपके क्वेरीज में, हर एक प्रॉब्लम्स में आपको साथ देने के लिए तैयार है SHPL एजुकेशन सिस्टम. और इसका ही एक जो मैं क्या बोलूं, इसका जो एक वे ऑफ सपोर्ट है, ये आज सुबह का ये जूम वेबिनार है, राइट? सो जितने सारे IBOs आज इधर अटेंड किए हैं जूम वेबिनार को, सबको स्वागत करते हुए, और जितने सारे नए लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबको स्वागत करते हुए चलिए आज का ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं. और वेबिनार का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये तो सभी को पता है कि अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हो तो मेक श्योर आपका बैकग्राउंड सही से हो. अगर आप क्वेश्चन करने वाले हो, या आपका कोई क्वेरी रहेगा, या कोई क्वेश्चन आप को लगता है कि ये आप पूछने वाले हैं स्पीकर से, तो वो एंड में कीजिए. बार बार बोल रहा हूँ, एंड में कीजिए, तो आपका सवाल जो है वो हम लोगों तक पहुंच जाएगा. और जितने सारे लोग इधर ज्वाइन हो चुके हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके टीम मेंबर्स भी इस वेबिनार को ज्वाइन करें और कुछ सीखे और अपना अपना सवाल रखे आज के स्पीकर के पास, तो तुरंत फोन उठाइए और व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो या पर्सनल मैसेज करके, कॉल करके उनको जगा दीजिए, बिकॉज हमारा वेबिनार शुरू हो गया है, राइट? सो चलिए दोस्तों, और ज्यादा समय जाया ना करते हुए आज के स्पीकर को बुला लेते हैं. और जैसे कि आप जानते हैं, हर ट्यूसडे को जो हमारे सामने हेल्थ एंड वेलनेस का टॉपिक को लेके आते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ आप लोगों का एनर्जी चाहिए. सो शो योर एनर्जी, चैट बॉक्स एकदम भरपूर मात्रा में भर दीजिए, उनको वेलकम कीजिए, और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ मैं आज बुलाने जा रहा हूं जो स्पीकर को, वो बहुत दिनों से, सालों से
इंडिया में वेलनेस का जो कॉन्सेप्ट है, वेलनेस का जो अवेयरनेस है, इसको फैलाते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये वेलनेस में उपकार दे चुके हैं उनके सजेशन के माध्यम से, और सर्वश्री के साथ बहुत दिन हो गए हैं वो जुड़े हुए हैं, और उनका सजेशन उनका नॉलेज से हम लोग भी बहुत समृद्ध हो रहे हैं। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार नन अदर देन आवर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिजोनोमिक काउंसिलर, डायबिटिक एजुकेटर, नन अदर देन मिस रिद्धि शाह जी। सो welcome ma'am to this Thank wonderful you, webinar and all yours. Yes, you can hear me clearly, sir? Absolutely. Okay, great. Thank you, Shubhashish ji, and thank you everyone for the lovely welcome message. Aap sabhi ko mera bahut 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 bada welcome hai is webinar ke liye. So, कितने लोग आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं? आई वुड लाइक टू नो, चैट बॉक्स में लिखिए मी अगर आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो। यस, सो आई थिंक लोग जुड़ते जाते हैं, राइट? सो इसलिए यू नो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों को कि कितने लोग पहली बार आप आए हो आज के वेबिनार में। चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं आप। ओके, सो आज फिर से हम यहाँ पर है, एंड आज हम एक और नई सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स की। मैं पिछली बार हमने जो बात की थी वो थी हमने टैबलेट्स और कैप्सूल्स के बारे में बात की थी, और हर्बल टैबलेट्स के बारे में बात की थी, राइट? सो आई बिलीव किसी ने मी नहीं लिखा है तो सारे पुराने लोग ही हैं, मैं समझ रही हूँ ये, ठीक है? ओके, ऑलराइट। सो आप लोग ने अटेंड किया होगा लास्ट सेशन, उसके पहले के सेशंस, उसके पहले हम लोग हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से देख रहे थे कि कौन से बीमारी में आप कौन से प्रोडक्ट्स दे सकते हैं सर्वश्री के, राइट? सो ऐसा कोई है यहाँ पे जिन्होंने सारे प्रेजेंटेशंस अटेंड किए, सारी मीटिंग्स अटेंड किए? राइट मी इन द चैट बॉक्स। मैं जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं आप में से जो बहुत ही डेडिकेटेडली अटेंड करते हैं मॉर्निंग में हेल्थ एंड वेलनेस के सारे। शुभाशीष जी, यस यू, ऑफकोर्स। नयन सिंह जी, वेरी गुड, यस। और जिन्होंने सारे सेशंस अटेंड किए हो, यस वंदना जी, आई अग्री, आप हर एक सेशन में थी, मुझे याद है, बिल्कुल। रुना जी, ओके, ग्रेट। अ वेरी बिग थैंक यू टू एवरीबडी जिन्होंने अटेंड किया है अपना टाइम निकालकर, मॉर्निंग में 8 बजे रेगुलरली आकर हमें वो एनर्जी दी है, हमें वो बढ़ावा दिया है कि हम कोई एक अच्छा काम करें सोसाइटी के लिए, राइट? और आपने उसके अंदर से भी एक योगदान दिया है अपना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यस यस सुकांता जी, यस रमाकांत जी, यस करेक्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो इस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? और आप, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये हेल्प करता है ये सारे ट्रेनिंग सेशंस एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए, एक हेल्थ एंड वेलनेस में एक जाना माना नाम बनने के लिए हेल्प करेगा आपको आगे चल के, क्योंकि आपका और मेरा मिशन सेम है, आपका और SHPL का मिशन सेम है, और वो ये है कि लोगों को जितना हो सके हेल्थ और वेलनेस प्रदान करना, उनके यू नो हेल्थ में बढ़ोतरी हो, उनकी हेल्थ इंप्रूव हो, ये हम सभी का मिशन है यहाँ पर, राइट? सो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन जो हम बात करने वाले हैं वो है एक ऐसी श्रेणी के ऊपर प्रोडक्ट्स की जो एक और ऑल्टरनेटिव है सप्लीमेंट्स का। तो हमने बात किया था कैप्सूल्स के बारे में, हमने बात किया था टैबलेट्स के बारे में। तो अगर किसी को कैप्सूल नहीं लेना है वो टैबलेट ले सकता है, राइट? किसी को अगर टैबलेट नहीं लेना है तो हमारे पास जूसेस की भी श्रेणी है, पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो है पाउडर्स के बारे में, राइट? सो देयर आर समथिंग कॉल्ड एज वेलनेस पाउडर्स। तो अगर आप, मैंने स्क्रीन शेयर शुरू किया है, आप स्क्रीन देख पाओगे मेरा, राइट? सर यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन? ओके, कूल, ग्रेट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेलनेस पाउडर्स। पाउडर इसलिए, अब आप मुझे पूछेंगे कि पाउडर्स का क्या महत्व होता है, राइट? हमें आता है ना दिमाग में ये क्वेश्चन कि पाउडर क्यों लेना चाहिए, और क्यों टैबलेट्स और कैप्सूल्स में ये इंग्रेडिएंट्स क्यों नहीं है, वो मैं आपको बताती हूँ। पाउडर एक ऐसी चीज है जो
डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाकर अब्सॉर्ब हो जाती है. इसका मतलब ये है कि कैप्सूल और टैबलेट्स के आसपास एक ऐसा कोटिंग होता है, कैप्सूल्स के अंदर एक कोटिंग होता है विच इज वेरी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इट्स दैट कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कैप्सूल को एज कंपेयर टू पाउडर्स, राइट. सो पाउडर्स हमने सोच समझ के ऐसे प्रोडक्ट्स चूज किए हैं पाउडर्स के लिए जो तुरंत आपके अब्सॉर्प्शन आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाए. और आप देखोगे ये हर एक पाउडर में आप देखोगे. और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, विटामिन्स मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आर बेटर जब वो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्म में होते हैं. क्योंकि क्या होता है, पाउडर का सर्फेस एरिया ज्यादा होता है, वो ज्यादा कॉन्टैक्ट में आता है हवा के. और जब आप कैप्सूल और टैबलेट लेते हो और उसके अंदर विटामिन मिनरल या एंटीऑक्सीडेंट डालते हो तो वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. इसीलिए वो बेस्ट होता है कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में, राइट. अब यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पाउडर के रूप में ही पॉसिबल हो सकती है. सो लेट्स सी टुडेज सेशन. ओके, सो मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया है अपना. ओके, we are going to look at this range of products. Just sorry, I'm excusing myself. Mera thoda sa kal raat ko thodi tabiyat kharab thi, but I will try my best ki you know ye problem na aaye baar baar. Just give me a second. Okay. Cool. So सबसे पहला जो product हम देखने वाले हैं wellness powders की श्रेणी में, right? वो है एप्पल स्टेम पाउडर. एप्पल स्टेम अपने आप में ही एक ऐसा करिश्मा यू नो देने करिश्मा वाला प्रोडक्ट है, एक मिरेक्युलस प्रोडक्ट है. क्यों? क्योंकि ये है, ये बनता है स्टेम सेल्स से, राइट. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? जैसे कि फादर सेल्स होते हैं, राइट. कि कोई चीज अगर किसी से उत्पन्न होती है उसको आप मानते हो कि ये फादर सेल है. तो ये अपने आप में इतनी चीजें उत्पन्न करता है, नए सेल्स को उत्पन्न करता है. सो स्टेम सेल्स इज बेसिकली द फादर ऑफ द सेल्स. ओके, सो इसी से नए सेल्स बनना आपको पॉसिबल हो जाता है इजिली, ठीक है. अब ये लिया गया है एप्पल, ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट से. सो ग्रीन एप्पल के स्टेम सेल्स है, इसके अंदर ग्रेप्स है. सो इसके इंग्रीडियंट्स पे गौर करिए जरा. ग्रीन एप्पल है, ग्रेप्स है, आर्गन फ्रूट है, असाई बेरी है एंड ब्लूबेरी है. दीज आर ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स. ओके, अपने आप में पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है. जहां पर एंटीऑक्सीडेंट्स की बात आती है वहां पे आपको क्या क्या सबसे पहले आता है, क्या सबसे पहले ब्रेन आपके दिमाग में आता है कि एंटीऑक्सीडेंट्स है तो क्या करता होगा ये प्रोडक्ट? लिखिए चैट में, आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं. सो एंटीऑक्सीडेंट यानी कि क्या? अरे सब क्या कर रहे हैं आज, सब लोग, किसी का एनर्जी नहीं लगता है. मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं, शायद मेरा चैट बॉक्स में प्रॉब्लम है या कोई नहीं लिख रहा है. गाइस चैट बॉक्स यूज करिए. यस, रिमूव फ्री रेडिकल्स, वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड. रिजुविनेट द सेल्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. रूना, आई डिडंट गेट योर आंसर. आई डिडंट गेट क्या लिखा है आपने. एनीवेज, यस, सो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में जब हम सुनते हैं, इम्यूनिटी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, स्टैमिना, एनर्जी बढ़ाता है, वेरी गुड. सो सबसे पहली चीज जो हमें याद आती है एंटीऑक्सीडेंट्स के केस में, जिन्होंने जो नहीं लिखा आप लोग ने, ये सारी चीजें सही है, ऐसा नहीं कह रही हो गलत है, बट आप उसको डायरेक्टली एंटी एजिंग के साथ जोड़ सकते हो. एंटी एजिंग यानी कि जो आपको ज्यादा एज नहीं होने देता है, आपके एज से ज्यादा आप नहीं दिखते, राइट. किस किस को चाहिए ये? मुझे तो चाहिए कि मैं कभी कभी भी यू नो एजिंग ना हो मेरे बॉडी में, है ना, राइट. वंदना जी ने भी हाथ ऊपर किया है, राइट. सो यस, सो एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका, करेक्ट. सेकेंडली, इट इज गुड फॉर इंक्रीजिंग एनर्जी. ओके, सो एनर्जी बढ़ाने में काम करता है. स्किन, हेयर और नेल्स, ये तीनों का जो है क्वालिटी बढ़ाता है. आपको अगर बार बार नाखून आपके यू नो टूट रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी का सिम्टम है. ओके, तो बायोटिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होने के कारण, आयरन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये होता है.
तो नेल्स में चेंजेस आते हैं. आप अगर नेल्स देखोगे आपके, तो अगर वीक लगते हैं, येलो हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम बहुत गहरा है. ठीक है, तो आप एप्पल स्टेम एक्सट्रैक्ट से आप अपने पूरे सिस्टम को रिजुविनेट कर सकते हैं. तो हेयर, स्किन और नेल्स तो है ही, साथ में एनर्जी के लिए काम करता है ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है एंटी एजिंग के लिए. जैसे कि मैंने कहा, एथलीट्स ले सकते हैं इसको, बिकॉज इसका अब्सॉर्प्शन बहुत इजीली हो जाता है, तो तुरंत एनर्जी मिलती है. तो जो मैराथन भागते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स में है, उन सबको आप दे सकते हैं ये. ठीक है, देन इट इज जैसे कि किसी ने कहा बहुत सही कि रिजुविनेट करता है बॉडी को, यानी कि नए सेल्स बनाता है. राइट, यहाँ पे देखिए, रिपेयर्स एंड रिजुविनेट्स, एजिंग प्रोसेस को डिले करता है. इसका असर आप देखोगे मूड के ऊपर भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारी सारी चीजें आपके मूड को भी इफेक्ट करती है. ठीक है, आपको टेलोमियर लेंथ, और ये मैं आपको समझाती हूँ क्या है. एंटी एजिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो हम ये एक चीज बोलते हैं कि आपके टेलोमियर्स, आपके क्रोमोसोम्स के जो टेल्स होते हैं, वो सबसे मतलब मेंटेन होना चाहिए उसका लेंथ. ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट आप ये समझ लीजिए कि आपकी ये एज जो है वो ज्यादा नहीं एंटी एजिंग का काम करता है, एज नहीं बढ़ाता फटाफट आपकी. आप जितने के हो उतने के ही दिखते हो, है ना. Isn't it a wonderful product? राइट, सो एंटी एजिंग का काम करता है ये. ओवरऑल इम्प्रूव करता है हेल्थ आपकी, और बॉडी में अगर एसिड ज्यादा हो जाता है तो उसको भी वो मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द एसिड एंड बेस बैलेंस. ओके, और इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है. ठीक है, ये आपको सैचेट्स के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि आप ये पाउडर है तो ये आपको सैचेट के फॉर्म में मिलेगा. आपको ये 60 grams का पैक है, राइट, और एक सैचेट आपको दिन में एक बार लेना है, एक ग्लास पानी के साथ. तो एक ग्लास पानी में ये एक सैचेट डालना है, दिन में एक बार लेना है. कूल, इसका MRP है 1500, और अगर आप रिपर्चेज में लेते हैं तो आप यू विल गेट इट इन बाय वन गेट वन. ओके, सो ये आपका एप्पल स्टेम पाउडर है. ठीक है, तो ग्रीन एप्पल, ग्रेप, सागन फ्रूट, असाई बेरी एंड ब्लूबेरी. आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, नोनी कीटोन्स. आप लोग में से कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है, और मैं भी एक्चुअली वेरी आई वाज वेरी सरप्राइज कि इतना पावरफुल प्रोडक्ट है ये. एक वीडियो है जो सुभाषिश सर ने दिखाया था जो जिससे एकदम फर्क पड़ा था उनकी एनर्जी लेवल्स में बाय हैविंग नोनी कीटोन्स. जस्ट यहाँ पे नोनी कीटोन लिया और तुरंत डिफरेंस पता चला, राइट. सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप देखो कि सारे काम करता है, एनर्जी बढ़ाता है, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, और जहां पे नोनी की बात आती है उसको हम इम्यूनिटी के साथ जोड़ते हैं, नोनी को, राइट. इम्यूनिटी के साथ इसलिए जोड़ते हैं बिकॉज ये सारे प्रोटीन्स की जो मेटाबॉलिज्म है उसको देखता है, उसको रेगुलेट करता है, इसका काम ही है ये, राइट. और इम्यूनोग्लोबुलिंस यानी कि जो टी सेल्स है, बी सेल्स है इम्यूनिटी के, वो क्या है, वो प्रोटीन ही तो है, राइट. सो ये प्रोटीन्स के रेगुलेशन में काम करता है, एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी और पावर देता है आपको. ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और ये देखिए यहाँ पर एंटी कार्सिनोजेनिक है. आप उनको दे सकते हैं जिनकी फैमिली में कैंसर का केसेस है, राइट, और अगर आप प्रिवेंट करना चाहते हैं तो नोनी कीटोन्स दीजिए. अगर आप मैनेज भी करना चाहते हैं कि अगर सपोज फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तभी भी नोनी कीटोन्स दीजिए आप. नोनी के बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी है, जैसे नोनी जूस है, नोनी कैप्सूल है, राइट, और आगे एक और प्रोडक्ट आएगा. सो आप कोई भी चीज दे सकते हैं नोनी का, बट अगर आपको एनर्जी भी देनी है, बिकॉज सपोज अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है कैंसर या सेकेंड स्टेज में, तो एनर्जी भी कम हो जाती है पेशेंट की, राइट. सो आप नोनी कीटोन्स तभी भी दे सकते हैं. ठीक है, कीटोन्स सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं आपको, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, कीटोन्स नाम का जो पदार्थ होता है, राइट. ओके, पूरे बॉडी के अंदर सेल फंक्शनिंग इंप्रूव करता है, राइट, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को बूस्ट करता है,
पेन रिड्यूस करता है, कैंसर का रिस्क कम करता है, बॉडी वेट मैनेज करने में मदद करता है. सो अगर आप वेट लॉस का गोल है आपका, तो आप इसको जरूर इंक्लूड करिए अपने रेजीम में. ओके, नींद का प्रॉब्लम है तो वो भी ये उसमें भी हेल्प करेगा, राइट? ओके, डायबिटीज, आर्थराइटिस, एस्थमा और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों में न्यूनी कीटोन्स हेल्प करता है. सो आपको पता है अब आपको किसको देना है ये, जिनको एनर्जी की कमी हो, प्लस जिनको डायबिटीज हो, जिनको एनर्जी की कमी हो प्लस जिनको आर्थराइटिस, एस्थमा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो, या खून का सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो, या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम. समझ में आ गया? तो एक तीर से इतने सारे निशान हो जाएंगे आपके, राइट? ओके, और हेल्दी स्किन, हेयर और स्कैल्प को बनाने में भी इसका योगदान है, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली अब्सॉर्ब होने वाला प्रोडक्ट है. ओके, 75 ग्राम के पैक में आता है ये, 1500 इसकी एमआरपी है. यू कैन गेट इट इन बाय वन गेट वन अंडर द रीपर्चेज वैल्यू. ओके, नोनी एक्सट्रैक्ट और सी बकथॉर्न है इसके अंदर. सी बकथॉर्न के आपने फायदे देखे हैं, राइट? एक सेशन में मैंने बताया था आपको, सी बकथॉर्न के ऊपर पूरा एक सेशन दिया था मैंने. सी बकथॉर्न इज बेसिकली एन एंटी इंफ्लेमेटरी फ्रूट. ओके, ये जो है ये आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9. ओमेगा 7 इज द रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ ओमेगा, जो बाकी के सोर्सेज में नहीं मिलता है. सी बकथॉर्न में आपको ओमेगा 7 मिलता है, और इसीलिए वो एक पोटेंट एंटी कार्सिनोजन है और एंटीऑक्सीडेंट है. ठीक है, इसको भी आपको एक सैचेट डेली लेना है, कभी भी ले सकते हो, रात को सोने से पहले या फिर नाश्ते के बाद. देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम. एक ग्लास पानी के अंदर एक सैचेट डालकर लेना है. ओके, एवरी डे. ओके, नेक्स्ट इज नोनी स्टेम. तो जहां हम स्टेम सेल्स की बात कर रहे थे, हमने एप्पल स्टेम एक्सट्रैक्ट देखे थे, अब हम नोनी के स्टेम एक्सट्रैक्ट देखते हैं. स्टेम सेल्स, जैसे कि मैंने कहा, फादर ऑफ सेल्स है. ओके, तो ये क्या करता है, ये बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है. आपके घर में अगर कभी मरम्मत का काम आप कराते हो, तो क्या होता है उसके बाद, कैसा फील होता है आपको मरम्मत होने के बाद? फ्रेश, है ना, एक अलग ही उत्साह होता है कि ये नए घर में रहूंगा मैं, है ना. तो वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी सेल्यूलर डैमेज होता रहता है. जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपके सेल्स को डैमेज पहुंचता है, बिकॉज पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, आप जो खाते हो उसका असर होता है, आप जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है उस तरह उसका असर होता है, करेक्ट? सो इसीलिए स्टेम सेल्स को सेल्स को नया बनाने के लिए आपको ये स्टेम सेल्स हेल्प करेगा. ठीक है, इंक्रीज करता है एनर्जी, स्किन, हेयर, नेल्स को बेहतरीन बनाता है. जैसे कि मैंने कहा, नोनी के फायदे ही है एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में, राइट, इम्यूनिटी के रूप में ये सारी चीजें करता है. प्लस स्टेम सेल होने के कारण एंटी एजिंग सिस्टम भी है इसके अंदर. ओके, सो इसको आप 1500 इसका एमआरपी है. इसके अंदर क्या है देख लेते हैं पहले. इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर ये नोनी फ्रूट है. इधर आप ये फ्रूट देख रहे हो यहाँ पर, ये नोनी का फल है. ठीक है, एल्डरबेरी, क्रैनबेरी एंड मैंगोस्टीन, ये जो है ये फ्रूट्स है ये तीनों. ओके, इसको भी आपको दिन में एक बार लेना है, एक ग्लास पानी के साथ एक सैचेट डालकर. 1500 इसकी एमआरपी है, 75 ग्राम इसका वेट है, टोटल वेट. ठीक है, लेट्स गो अहेड. ओके, मैं चैट देख लेती हूँ एक बार. ओके, ग्रेट. सो बेसिकली आपको अगर, हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई, ये जो सैचेट्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो है 30 सैचेट्स. ओके, हाँ, मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेती हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं या कुछ आया है तो. ओके, फाइन. ओके, गाइस, अगर आप क्वेश्चन भी कर रहे हो तो प्लीज पूरा क्वेश्चन लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मुझे कि क्या पूछना चाह रहे हो आप. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट फर्स्ट. हाँ, अगर आपको पेट की प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं आ रहा है, कब्ज है, राइट, ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत हैवी लगता है पेट के अंदर, ब्लोटिंग हो जाती है,
ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलने लगता है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। कॉन्स्टिपेशन और पेट की सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि गैस होना, खाना नहीं पचना जिसको हम इनडाइजेशन कहते हैं, राइट, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, अगर आपके मोशंस रेगुलर नहीं है, किसी दिन आपका पेट साफ आता है, किसी दिन नहीं आता है, राइट, तो ये सारी चीजें आपको ये प्रोडक्ट से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, दिस इज फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत ही कॉमन समस्या है आजकल। एवरी सेकेंड पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड। ठीक है, सो ऐसे में क्या आप ऐसी दवाइयां लोगे जो आप बार बार नहीं ले सकते हैं और जो केमिकल से बनती है और जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगी, या आप एक ऐसा प्रोडक्ट लोगे जो कि दवाई नहीं है बट एक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है जो आपका पेट नेचुरली सफा करता है, राइट, तो आप दूसरे वाले के लिए जाओगे, राइट, तो इसीलिए आप अगर देखोगे यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए, सेना एक बहुत पावरफुल लैक्सेटिव है। सेना जो है पूरा पेट जो है साफ कर देता है। ठीक है, आंवला, हरितकी और ये जो है पूरा आपका त्रिफला के दो चीजें है इसके अंदर, अदरक, सौंफ, सरल एंड संचल। तो अगर अच्छा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी, मैंने कुछ लोगों में देखा है कि त्रिफला खाने के बाद भी पेट साफ नहीं आता है कभी कभी, उसमें त्रिफला का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि शायद आपके पेट में उतना मॉइस्चर, आपके सिस्टम में मॉइस्चर नहीं है, यानी कि पानी शायद कम पीते हैं आप, राइट, तो क्या हो जाता है कि स्टूल सॉफ्ट नहीं होते, स्टूल्स हार्ड हो जाते हैं आपके, करेक्ट, तो उस केस में आप हैप्पी मॉर्निंग दे सकते हो त्रिफला के साथ साथ। तो पहले त्रिफला का कोर्स खत्म करें एक महीने का, अगर फिर भी नहीं हो रहा है त्रिफला टैबलेट्स का, तो फिर भी नहीं हो रहा है अगर, तो हैप्पी मॉर्निंग आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लेना है, ये 100 ग्राम के बॉटल में आता है, इसका MRP है 165। आप इसको एक चम्मच एक ग्लास गर्म पानी में घोल कर रात को सोने से पहले ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका MRP है 165, 100 ग्राम का ये पैक आता है, राइट, आर यू ऑल क्लियर? अभी तक आपने चार प्रोडक्ट्स देखे हैं, करेक्ट, are you all clear? Just one second. Yes. ये अभी 200 का हो गया। Okay, thank you for the update. Thank you so much. So ये जब बना था presentation, तभी ये 200 का नहीं था इसके लिए। Okay, no problem. But now if you know it, so then it's good. Okay, but आपको अभी तक कोई भी issues है products के related, कोई questions है आप मुझे पूछ सकते हो। Yes, or else we can go ahead. Trifla churan with happy morning together you can take, but फिर trifla की खाली एक capsule लेना, okay? और अगर आपको ऐसा लगता है कि पेट मतलब थोड़ा सा loose motion type लगता है, then stop happy morning. Trifla आप continue कर सकते हो, ठीक है? चलो, आप अभी आगे चलते हैं हम. ओके, नाउ दिस इज अ मील रिप्लेसमेंट पाउडर। अभी तक आपने स्टेम सेल्स और नॉर्मल पाउडर्स देखे हैं, अब हम देखेंगे वेट मैनेजमेंट के लिए एक प्रोडक्ट। ओके, अगर आपको आपकी कैलोरीज कम करनी है डाइट में से, तो क्या कर सकते हो आप, एक मील जो है आपका, ध्यान से सुनिएगा, ओके, एक मील आपका, एक टाइम का खाना जो है आप रिप्लेस कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मील रिप्लेसमेंट। उससे क्या होता है, उससे ये फायदा होता है कि आपके पेट को तो रेस्ट मिलता ही है, सेकेंडली कैलोरीज भी कम हो जाती है आपकी, ओके, और उसके वजह से एज अ रिजल्ट आपका वेट जो है आप मैनेज कर पाते हो, वेट लॉस भी होता है। ठीक है, और एक चीज यहां पे मैं बताना चाहूंगी कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, अगर आप जब इंग्रेडिएंट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये फैट का अब्सॉर्प्शन कम कर देता है, सॉरी अक्यूमुलेशन कम कर देता है, यानी कि फैट जमा नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ओट फाइबर। ओट फाइबर की एक खासियत है,
ओट्स जो हम जिसको जौ कहते हैं, राइट। ओट्स फाइबर की एक खासियत है कि एक सल्यूबल फाइबर है और ये जो है फैट का अक्यूमुलेशन कम कर देता है, फैट को एक्सेस फैट को बाहर निकाल देता है स्टूल्स के थ्रू, ठीक है। सो ये एक परफेक्ट मील रिप्लेसमेंट है, ये 6 फ्लेवर्स में आता है, ओके। तो आप देखोगे कुल्फी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है, चॉकलेट है एंड केसर इलायची है, ठीक है। तो ये 6 फ्लेवर्स में आता है, 500 ग्राम के पैक में आता है। और इसके अंदर क्या क्या है, लेट अस सी, ओके। सो सोय प्रोटीन आइसोलेट है इसके अंदर, तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर सोय लेसिथिन है, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, ओके। सो इसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, फ्रुक्टोज है, सोयाबीन ऑयल है इसके अंदर, कॉर्न ब्रांड है, ओट फाइबर है जैसे मैंने कहा, गुआर गम है, गुआर गम इज अगेन अ प्लांट बेस्ड गम, ओके, एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, फ्लेवरिंग के लिए, ओके। इसके 2 स्कूप आपको लेने हैं, 1 ग्लास या तो दूध या तो पानी के साथ, और 1 टाइम का खाना आपको, कोई भी 1 टाइम का खाना आप रिप्लेस कर सकते हो। यूजुअली लोग डिनर रिप्लेस करते हैं बिकॉज डिनर के बाद थोड़ा सा हैवी लगता है ना, तो इसके लिए वो सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट और लंच हम अच्छे से खा लेंगे, लाइक वॉट एवर जो डाइटिशियन ने दिया है, और डिनर हम जो है वो इससे रिप्लेस कर देंगे, राइट। यूजुअली ये डिनर में लिया जाता है, आप इसको कभी भी ले सकते हैं। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, तो ट्राई डूइंग इट इन डिनर, डिनर में आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसका 500 ग्राम का पैक है, इसका MRP है 1250, ओके। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट इज एन एनर्जी ड्रिंक। तो कितने लोग सुबह में थोड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, किसी को कुछ एक बेसिकली स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, कि जगाने की जरूरत होती है, राइट। कभी कभी होता है ऐसा कि आपको फ्रेश नहीं लगता है मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स है ये क्या, ये बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक है, ओके। ये आपको सुबह में लेना है, ओके, या तो गर्म या तो ठंडे पानी के साथ, कोई भी जो आपका प्रेफरेंस है, ठंडे पानी के साथ बेटर लगता है ये, ओके। नाउ आपको अगर मेंटल थकान है और फिजिकल थकान दोनों है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू गिव यू इंस्टेंट एनर्जी, ओके। अगर आपको अगर आप डायबिटिक भी हो तो भी आप ये ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज नहीं है, इसके अंदर कैफीन एक्सट्रैक्ट है, ओके। तो अगर आप देखोगे नेचुरल कैफीन एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है एंड ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट है। ऑरेंज पीको इज नथिंग बट इट्स नॉट ऑरेंज, ऑरेंज पीको एक प्रकार की चाय आती है, टी लीफ आता है, सो ब्लैक टी का एक वेरिएंट है ये, और ये एक्सट्रैक्ट्स आपके एनर्जी को बूस्ट करते हैं, इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद एनर्जी, थकान कम करते हैं, माइंड को रिजुबिनेट करता है, मेटाबॉलिज्म आपका इम्प्रूव करता है, टॉक्सिन्स निकाल देता है बॉडी से, रिफ्रेशिंग फीलिंग देता है, और इसके अंदर जीरो शुगर फॉर्मुलेशन है, इसके बिल्कुल शुगर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कूल, गॉट इट, ओके। नाउ 1 ग्राम आपको इसको किस तरह से लेना है, 1 ग्राम मतलब इसके अंदर जो स्पून दिया गया होगा, या आप अपने मेजरिंग स्पून से ले सकते हैं। सो 1 ग्राम 1 teaspoon ऑफ दिस विथ 160 ml ऑफ हॉट और कोल्ड वाटर इन द मॉर्निंग फॉर अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। 500 ग्राम के पैक में आता है ये, 650 इसकी MRP है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जिनको एनर्जी का प्रॉब्लम है। हमने एक सेशन किया था आई थिंक एनर्जी के ऊपर, तब हमने इसके बारे में डिटेल में बात की है वहां पे, ओके। और ये इसका लेमन फ्लेवर में आता है, ये मैं बताना भूल गई आपको, लेमन फ्लेवर में आता है, ठीक है। लेट्स गो अहेड, ओके। नाउ दिस इज फॉर पीपल हु डू नॉट हैव डायबिटीज, ओके। तो अगर आप डायबिटिक नहीं है और अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये ज्यादा करके स्पोर्ट्स और एथलीट्स को दिया जाता है, राइट। सो ग्लूकोज सी इज एन इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक। आप इसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए लेंगे, और इसके न्यूट्रिएंट्स भी है, अगर आप देखोगे लेमन और ऑरेंज फ्लेवर में ये अवेलेबल है, राइट। इसके अंदर विटामिन सी है, मिनरल्स है, ऑब्वियसली ग्लूकोज है,
राइट, ये एक्सट्रीम जब आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा लंबा वर्कआउट हो गया, या स्पोर्ट्स आपने खेला है, डिहाइड्रेशन हुआ है, स्वेटिंग बहुत हुआ है, तब आप ये ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेना है एक चम्मच एक ग्लास पानी के साथ, ठीक है। इसकी एमआरपी है 250, इसका वेट है 500 grams, ओके। दिस यू कैन गिव इट टू एनीबडी, आप बच्चों को भी दे सकते हो ये, बट बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, ओके। नेक्स्ट, यस, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट्स बेसिकली ऑल इन वन, ओके। तो ये प्रोटीन पाउडर होने के साथ साथ ये एनर्जी को भी आप बढ़ा सकते हो बच्चों में, अगर आपका बच्चा जो है यू नो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, फोकस नहीं रहता है, ओके, जो बार बार बीमार पड़ता है, जिसको एनर्जी लेवल्स कम हो जाता है बॉडी के अंदर, क्योंकि प्रोटीन यूज हो जाता है एनर्जी के लिए, राइट। सो प्रोटीन पाउडर है, आप ये चॉकलेट फ्लेवर में अवेलेबल है, 500 ग्राम्स का इसका वेट है, ओके, पैक है, और ये जो है इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स है सारे, तो ये क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करता है। तो अगर आपका बच्चा ग्रोथ स्टेज में है, ग्रोइंग एज में है, तो ये आप उनको सबसे बेस्ट तभी यू नो दे सकते हैं, आप उनका जो एनर्जी लेवल्स और इम्यून सिस्टम है उसको हेल्प करेगा। मैल न्यूट्रिशन, ये आप बहुत जरूरी है, अगर इफ यू आर कंप्लेनिंग कि यू नो आपका बच्चा खाना नहीं खाता है ठीक से, या यू नो उसको जो भी आप देते हो वो हमेशा रिफ्यूज ही कर देता है, मना कर देता है खाने से, राइट, तो आप उनको ये पाउडर दे सकते हैं टू स्टार्ट विथ, जो कि क्योंकि देखो ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए, इट हैज टू गो ऑन, राइट। तो आप खाना नहीं खा रहा है अगर वो, तो आप इसको चॉकलेट फ्लेवर में, इसीलिए है क्योंकि ये ज्यादा एक्सेप्टेड है, बच्चे ज्यादा यू नो उनको पसंदीदा होता है चॉकलेट फ्लेवर, राइट। सो इसके अंदर है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, यानी कि जब वो प्रोडक्ट आएगा तब, ठीक है। स्किम्ड मिल्क पाउडर, ओके, यानी कि इसके अंदर फैट भी कम है, बिकॉज इसके अंदर स्किम्ड मिल्क पाउडर यूज किया गया है, इसके अंदर मिनरल्स है और विटामिन्स है, ओके। आपको एक स्कूप देना है, 10 ग्राम का एक स्कूप जो आप ले सकते हैं, आप जूस में, सूप में या पानी के अंदर ऐड करके दे सकते हैं, ठीक है। अगर वो बच्चा पानी में नहीं पी रहा है तो आप मिल्क में भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। जूस में ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, सूप में ले रहा है, अच्छा, ये सभी में से कुछ भी नहीं ले रहा है तो आप इसको आप अगर उसको कुछ चॉकलेट पैनकेक्स या कुछ बना के दे रहे हो तो उसके अंदर ये प्रोडक्ट आप डाल सकते हो। चॉकलेट पैनकेक्स आपने सुना होगा, राइट, वो उनको बहुत पसंद होता है बच्चों को ये सब नई नई चीजें, तो उसके अंदर भी आप ऐड करके दे सकते हो, ठीक है, ओके। इसका जो है एमआरपी वो है 1000 rupees, ओके, 500 ग्राम का ये पैक है, ओके। नेक्स्ट इज विमेन के लिए प्रोटीन पाउडर। अब विमेन के लिए अलग से क्यों है, क्योंकि विमेन के अपने अलग इश्यूज होते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे इसके बारे में बात करना चाहूंगी, सोय प्रोटीन। यस रुचिका, आपने एक मैसेज लिखा है, आपके क्वेश्चंस में बाकी के क्वेश्चंस लेती हूँ बाद में। एक यहाँ पे मैंने एक पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि रुचिका ने लिखा ये थायराइड पेशेंट्स को नहीं दे सकते बिकॉज ये सोय है, बिल्कुल। तो मैं आपको बोल भी नहीं रही हूँ थायराइड के लिए दीजिए, मैं आपको सोय प्रोटीन किसके लिए बोला था, वेट लॉस के लिए बोला था मैंने आपको, है ना। तो प्लीज लिसन केयरफुली एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे वही चीज आ जाती है, अगर आपको थायराइड है तो आपको सोय प्रोटीन हम नहीं देंगे, हम रेकमेंड भी नहीं करेंगे आपको, तो वही हिसाब होता है यहाँ पे। ये विमेन केयर प्रोटीन पाउडर जो है सोय प्रोटीन और वे प्रोटीन से बना है। इफ यू हैव हाइपोथायराइड देन यू कैन नॉट टेक दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। सर ये जो है आपका विमेन केयर प्रोटीन पाउडर, ये आप वेट लॉस के लिए भी दे सकते हैं, सेकेंडली आप हॉर्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी दे सकते हैं, ओके। नाउ एक्सेप्ट थायराइड, अगर आप देखो सोय के अंदर, अगर आप साइंस समझने की कोशिश करो, समझ लो कि आपको थायराइड नहीं है, उन पेशेंट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जिनको हॉर्मोनल इश्यूज है, जैसे खास करके मेनोपॉज के बाद,
तो ये परफेक्ट है मेनोपॉजल वेमेन के लिए. मेनोपॉज यानी कि जो 45 के या 50 के एज के बाद जब आपका यू नो मेनोपॉज आता है, तब उसके बाद आप ये खास करके दे सकते हैं, बिकॉज तब क्या होता है, ईस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, राइट? ईस्ट्रोजन इज अ फीमेल हॉर्मोन. अब ये अपने आप में एक बहुत यू नो एक थोड़ा सा क्या कहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कि ईस्ट्रोजन कम हो गया तो काफी चीजों का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, और भी बहुत इश्यूज होते हैं, राइट? सो ईस्ट्रोजन कम होना एक बहुत आई मीन इट्स नॉट अ फेवरेबल थिंग, इट्स नॉट समथिंग, ये नहीं चाहिए हमें, राइट? सोय के अंदर जो तत्व होते हैं उसको कहते हैं आइसोफ्लेवोन्स. ओके, सोयाबीन के अंदर एक पॉलीफेनॉल या एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसका नाम है आइसोफ्लेवोन्स. वो आइसोफ्लेवोन्स क्या करता है, आई मीन इमेजिन द वे नेचर हैज मेड इट. ओके, वो ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है, यानी कि ईस्ट्रोजन की तरह काम करता है बॉडी के अंदर. तो मेनोपॉजल वेमेन के अंदर जहां ईस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आप सोय प्रोटीन दे सकते हैं. अगर थायराइड नहीं है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर थायराइड नहीं है तो आप सोय प्रोटीन दे सकते हैं उन औरतों को, तो उससे उनका ईस्ट्रोजन बैलेंस होने में मदद होता है. क्लियर? आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, ठीक है? ओके, आप अपना बॉडी फैट भी कम कर सकते हैं विदाउट लूजिंग मसल. सो मसल लॉस नहीं होने देता, बिकॉज ये अपने आप में एक प्रोटीन पाउडर है, ये प्रोटीन का काम ही होता है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है? सॉरी. ओके, इसको एक से दो स्कूप आप ले सकते हैं, या तो पानी के साथ या मिल्क के साथ. ओके, 500 ग्राम का पैक है, 1000 इसकी एमआरपी है. ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू गेन वेट. ओके, वेट गेन के लिए ये बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है एडवांस्ड मास गेनर. मास गेनर के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली आपका मसल मास बढ़ाता है, राइट? इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, इसके अंदर वेट बढ़ाने के जो हर्ब्स है, ओके, खास करके वे प्रोटीन. अब ये आप बोलोगे कि मैम वे प्रोटीन वेट लॉस में देना है या वेट गेन में देना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ओके, बिकॉज इसकी टेक्नोलॉजी पे जाइए आप. इसके अंदर जो प्रोटीन्स है, वे प्रोटीन ही यूज किया गया है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज किया गया है. अब यहाँ पे आप समझिए, दो चीजों, दो प्रकार के वे प्रोटीन आते हैं, एक आता है वे प्रोटीन आइसोलेट, एक आता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट. वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, इसके अंदर कार्ब्स और फैट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है? जबकि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो ये प्रोडक्ट में है, उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फैट्स भी मिलेगा एनर्जी के लिए, ओके, और प्रोटीन तो होता ही है इसके अंदर. सो प्रोटीन का क्या काम है, मसल ब्रेक डाउन नहीं होने देता है. तो अगर आपने सपोज मुझे वेट बढ़ाना है अपना, राइट, तो मैंने ये एडवांस मास गेनर लिया, ओके, ये मैंने एक्सरसाइज के तुरंत बाद लिया, तो क्या होगा, 7 डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज इसके अंदर है. सो वे है, सोया है, और भी बहुत सारे किनवा, ब्राउन राइस भी होते हैं. तो ये जो 7 डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज है, ये थोड़े थोड़े समय में प्रोटीन रिलीज करते हैं, टाइमली प्रोटीन रिलीज जिसको कहते हैं, 7 अलग अलग फेजेस में. तो क्या होता है कि मसल ब्रेक डाउन प्रिवेंट होता है, यानी कि अगर मैं जिम करने के बाद मेरे मसल्स में बहुत सारा तनाव हुआ है, वेर एंड टेयर हुआ है, राइट, तो मसल ब्रेक डाउन होने के चांसेस है अगर आपने तभी उसको प्रोटीन नहीं दिया तो. तो अगर आपको वेट गेन करना है, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वेट गेन के रिलेटेड, वो ये है कि कभी भी वेट गेन का मतलब ये नहीं होता है कि ज्यादा खाना. रॉन्ग, आप वहीं पे गलत जा रहे हो, ठीक है? कभी भी वेट गेन का मतलब ये नहीं होता है कि ज्यादा खा सकते हैं. हम बोलते हैं ना कि अरे तुझे तो वेट गेन करने की जरूरत, तो कितना लकी है, ऐसा नहीं है, वो कोई लकी नहीं है, ओके? उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, इसीलिए उसका वेट बढ़ नहीं रहा है.
तो ये जो है ये एनाबॉलिज्म बूस्ट करता है, यानी कि मसल ब्रेकडाउन कम करता है, मसल को बढ़ाने का काम करता है, राइट। और वेट गेन का मतलब कतई ये नहीं है कि फैट खा सकता है बंदा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वेट गेन यानी कि फैट दिया जाए उसको ज्यादा। जितना फैट उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है उतना ही दिया जाना चाहिए। ओके, सो वेट गेन का मेरा मतलब ये है कि हमेशा मसल गेन होता है, मसल मास बढ़ाना ही सोल्यूशन है वेट गेन का, ठीक है। अब जिनका बहुत ही ज्यादा स्किनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है तो आप ये शुरू कर दीजिए आफ्टर, पर हाँ इसके लिए जिम जिम एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि आपको जिम के बाद ये पाउडर लेना है, एडवांस मास गेनर का, पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं आप, और आप मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप इसको एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ और लिखा है, पर मैं आपको अपना रिकमेंडेशन दे रही हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ, अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, ठीक है। आप किसी भी तरह इसको ले सकते हैं, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते, पर आप इसको जिम के बाद लेंगे तो भी चलेगा। 500 ग्राम का ये पैक है, 2400 इसका MRP है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों टाइमली रिलीज होता है प्रोटीन का। सोय प्रोटीन आइसोलेट है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, कोको पाउडर है, माल्टोडेक्सट्रिन है। माल्टोडेक्सट्रिन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज इन बाउट्स, तो थोड़े थोड़े इंटरवल्स में एनर्जी और प्रोटीन रिलीज करता है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अगर आपको वेट लॉस करना है, ओके, अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको मसल कम मसल बढ़ाना है और फैट कम करना है, वेट लॉस से मेरा मतलब यही है। मैं हमेशा जब भी वेट लॉस की बात करती हूँ तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, मैंने एक सेशन भी लिया था, कभी भी मसल कम नहीं होने देना चाहिए, फैट कम होना चाहिए आपका, करेक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली वही करता है, आपको अमीनो एसिड्स देता है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी को वेयर एंड टेयर में हेल्प करते हैं, लीन मसल गेन करने में मदद करता है। व्हाट इज लीन मसल? फैट के बिना का मसल, राइट। सो आपका लुक कैसा होता है? आपका लुक एकदम लीन और फिट होता है, ठीक है। अब जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनको आप दे सकते हो ये, क्योंकि इसके अंदर सोया नहीं है, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, जिनको लैक्टोज का इश्यू है, लैक्टोज इनटॉलरेंस का इश्यू है, जो जिनको मिल्क सूट नहीं होता है, उनको भी आप ये दे सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा होती है, ना के बराबर होता है लैक्टोज, ओके। सो आप उनको भी दे सकते हो। आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि मैंने कहा थायराइड है, PCOS है, तभी भी आप ये दे सकते हो, कोई भी नुकसान नहीं है इसका, मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप नहीं दे सकते हो ये। सो वे प्रोटीन आपको, ये कॉन्सेंट्रेट है, ओके, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, मतलब इसमें सही मात्रा में प्रोटीन है, सही मात्रा में कार्ब्स है, सही मात्रा में फैट है। इट्स अ नो शुगर प्रोडक्ट, ओके, तो बिल्कुल शुगर नहीं है इसके अंदर। 1 से 2 स्कूप जितना आपको टेस्ट के हिसाब से ये पाउडर का आप लीजिए, या तो दूध के साथ या पानी के साथ एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? तो ये आप नॉर्मल व्यक्ति को दे सकते हैं जिनको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं है, और खास करके मतलब यू नो इवन इफ थायराइड भी है, थायराइड है, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, उनको भी आप दे सकते हो, दोनों को दे सकते हो, प्रॉब्लम है हेल्थ का तो भी, नहीं है तो भी दे सकते हो, यूनिवर्सल प्रोडक्ट है ये, औरतों को और मर्दों को, दोनों को दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट वन इज वे गोल्ड प्रोटीन पाउडर। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, तो मैंने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया है, मैंने आपको बताया था याद है, 2 प्रकार के प्रोडक्ट्स है, 2 प्रकार के वे प्रोटीन्स है,
एक होता है आइसोलेट, एक होता है कॉन्सेंट्रेट. अगर आप ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं. आइसोलेट का मतलब क्या है? अकेला. आइसोलेट नाम का ही मतलब होता है सिर्फ, यानी कि सोल, यानी कि सिर्फ ये अकेली चीज है. तो आइसोलेट का मतलब होता है इसमें सिर्फ प्रोटीन है. अराउंड 90% ऑफ इट इज प्रोटीन. ओके, 90% है, इसीलिए 30 ग्राम के सर्विंग में आपको 25 ग्राम वे प्रोटीन आइसोलेट मिलता है. समझ में आ गई बात? वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, अगर आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब ज्यादा तो नहीं है कॉन्सेंट्रेट में भी, पर अगर आपको कार्ब्स और फैट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए. ओके, क्योंकि वेट कॉन्शियस लोग भी हैं, राइट? सो तब इनके केस में आप वे गोल्ड प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, क्योंकि ये वे प्रोटीन आइसोलेट है और इसके अंदर सोय प्रोटीन है. तो अगर आपको थायराइड नहीं है तो आप ये लीजिए, अगर आपको थायराइड है तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लीजिए. ठीक है, इसके साथ साथ आप यू नो यू कैन टेक अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉर वेट लॉस, जैसे कि हमारा त्रिफला पाउडर है, करेक्ट? सो जब आप दो तीन प्रोडक्ट्स को कंबाइन करते हो तब आपका रिजल्ट मैक्सिमम आता है. ठीक है, तो एक से दो स्कूप वे गोल्ड प्रोटीन पाउडर के मिल्क या पानी के साथ आप ले सकते हैं. ठीक है, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप पानी के साथ लीजिए. अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, अगर आपको नहीं लगता कि दूध पीने से मुझे कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप दूध के साथ लीजिए. ठीक है, आपके ऊपर है. और ये भी यूजुअली हम जिम के बाद ही लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज खत्म होने के बाद लेते हैं. ठीक है, इसके अंदर फर्क सिर्फ इतना है, ये इसके अंदर कार्ब्स और फैट्स नहीं है और इसके अंदर सोय प्रोटीन है. वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में क्या था? इसमें सोय प्रोटीन नहीं है. ठीक है, इस वे गोल्ड प्रोटीन पाउडर का एमआरपी है 1500 ग्राम के पैक में आता है. क्लियर? ओके, सो हाँ, एंड दिस इज इन अ चॉकलेट फ्लेवर. ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर लिसनिंग. आपने जो अभी आपके जो क्वेश्चन है वो मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप आई थिंक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? सो लेट्स टेक अप द क्वेश्चंस. यस, आई थिंक वी फिनिश्ड ऑन टाइम टुडे. जी, यस सुभाषी सर. थैंक यू सो मच रिद्धि मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन. ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बहुत सारे पाउडर्स के बारे में ऐसे डिटेल्स में अभी तक SHPL में ट्रेनिंग्स नहीं हुए हैं. सो थैंक यू फॉर दैट कि आपने बहुत डिटेलिंग में स्पेशली प्रोटीन पाउडर्स के बारे में एंड अदर्स जो हमारे स्टेम सेल और कीटोन्स फॉर्म में हैं, आपने बहुत डिटेल्स में बताए. थैंक यू सो मच. और दोस्तों, अगर अभी आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारे सवाल आपने किए हैं लेकिन वो शायद गुम हो गए हैं. अगर मिलते हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा. आप लोग अभी सवाल कर सकते हैं टॉपिक रिलेटेड, अगर आपका कोई सवाल है तो. सो चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल. ओके, सो व्हाट इज द परफेक्ट एज ऑफ किड्स टू टेक किड्स केयर प्रोटीन, संतोष जी ने पूछा है. आप 5 साल के ऊपर कभी भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स एकदम सेफ है, आप दे सकते हैं 5 साल के ऊपर. क्योंकि 5 साल तक तो बच्चा यू नो ही इज लर्निंग टू ईट फूड, वो नया 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 चीज एक्सपेरिमेंट करता है, उसको पसंद आता है, कुछ पसंद नहीं आता है, कभी कभी वो फ्लेवर भी शायद पसंद ना आए उसको. 5 साल के ऊपर को कोई इश्यू नहीं है, हेल्थ वाइज भी कोई इश्यू नहीं है, फ्लेवर वाइज भी कोई इश्यू नहीं है. थैंक यू मैम. सो सीमा जी पूछ रहे हैं, मैम मेरे बेटी का 16 इयर्स है और उसमें हाइट नहीं है तो क्या करें? ओके, हाइट का इश्यू है, आप ये किड्स प्रोटीन शुरू कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 20. ओके, 1920 तो ज्यादा हो गया, 18 तक आप उसको, 2 साल तक किड्स प्रोटीन कंटिन्यू रखिए. 18 के बाद आप उसको नॉर्मल मल्टीविटामिन्स पे डाल दीजिए, जो हमारा सार्वाविट एच है और जो दूसरे मल्टीविटामिन्स है, आप उसको वो दे सकते हैं. एक्सरसाइज कराना जरूरी है, बिकॉज एक्सरसाइज से हाइट बढ़ेगा, साइकिलिंग और स्विमिंग खास करके आप करा सकते हैं. सो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज सिर्फ सप्लीमेंट पे डिपेंडेंट ना रहे, सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट ना रहे, आप दोनों में दे सकते हैं. क्योंकि किड्स केयर प्रोटीन जो है ग्रोथ का तो ध्यान रखेगा ही, पर साथ साथ में आप उसको एक सप्लीमेंट के रूप में आप इसको एक्सरसाइज में भी दे सकते हैं.
ठीक है राइट सो वंदना मैम पूछ रही हैं कि उनके लड़के का लीवर प्रॉब्लम है सो उसको क्या किड्स प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बट मैं जानना चाहूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है लिवर में। अगर आप वंदना जी अगर आप चैट में बाद में लिख सकते हैं तो बट आप दे सकते हैं उनको, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीजें तो बिल्कुल पैदा नहीं करेंगे, बिकॉज ये जैसे ही अब्सॉर्ब होते हैं वैसे ही नॉर्मल अब्सॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म है इसका, तो इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं डाले गए हैं जो नुकसान करेगा। राइट सो बुलबुल जी पूछ रहे हैं थोड़ा सा फैटी होने के लिए क्या सजेस्ट करें? ओके, सबसे पहली चीज फैटी नहीं होता है वो, ओके फैटी नहीं, हेल्दी होने के लिए बोलिए आप, ठीक है। थोड़ा सा वेट गेन करना है या थोड़ा सा मसल गेन करना है आपको बुलबुल जी, तो आप जैसे मैंने कहा सबसे पहला इम्पोर्टेंस जो आपके लाइफस्टाइल में होगा वो है आपको एक अच्छा सा डाइट खाना है, अच्छा सा बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है जिनको वेट गेन करना है उनके केस में प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों प्रोटीन दिया जाता है, क्यों मैं फैट के फैट नहीं बोल रही हूँ। एक नॉर्मल मिसकंसेप्शन होता है ना कि ज्यादा फैट खाऊंगी तो जल्दी वेट गेन होगा, जी नहीं, क्योंकि अगर आप ज्यादा फैट लोगे वो आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, राइट। अगर आप बोलोगे कि मैं अगर मतलब एक हम कहते हैं ना कि अरे मैंने आज कुछ समोसा खा लिया तो मेरा 1 किलो बढ़ गया, तो एक वो हम लेकर चलते दिमाग में कि इससे वेट गेन होता है, तो अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे तला हुआ खाना है। इट्स वेरी रॉन्ग, आप अपने हार्ट को प्रेशर में डाल रहे हो, आप अपने हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हो, बिकॉज उसी को सारा वो फैट जो है वो बेचारा उधर ही जाके सब अटक जाएगा फैट, ठीक है। सो फैट नहीं लेना है, प्रोटीन लेना है। फैट आप ले सकते हो इन मॉडरेट अमाउंट, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया डाइट, और दूसरा एक वेट गेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हम मिस कर देते हैं, वो है एक्सरसाइज। आप लोग में से किसी को ये सवाल आया भी होगा कि एक्सरसाइज से वजन कम होता है, आया ना ये सवाल दिमाग में? ये आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज को हमेशा वेट के साथ रिलेट करते हैं। वेट के साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं इसको, जिसके बॉडी में जो जरूरी होता है ना वही होता है, ओके? अगर आप उसको सही ढंग से कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज क्यों बोला मैंने। एक्सरसाइज से आपका मसल गेन होता है, जैसे हमने एडवांस मास गेनर के टाइम पे भी देखा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी में, क्योंकि आपको मसल मास बढ़ाना है, फैट नहीं बढ़ाना है बॉडी का, मसल मास बढ़ाना है। तो प्रोटीन तो आप ले रहे हो डाइट से, पर वो प्रोटीन मसल्स में जाएगा कैसे, प्रोटीन स्ट्रांग कैसे बनेगा, सॉरी मसल स्ट्रांग कैसे बनेगा, एक्सरसाइज से बनेगा, करेक्ट। सो जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपका मसल जो है वो प्रोटीन यूज करता है और स्ट्रांग होता है, बल्कि होता है, तब जाके आपका वेट गेन जो है वो दिखने लगता है, आपका वेइंग स्केल के ऊपर आपका वेट तब आप बोल सकते हो कि ये हेल्दी वेट गेन है, वरना तला हुआ खाने से अगर वेट गेन होता है वो आपका सिर्फ फैट बढ़ रहा है। क्लियर? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। एकदम एकदम मैम। सीमा जी पूछ रहे हैं जिसको थायराइड है वो अगर वेट लॉस करना चाहती हैं तो क्या यूज करें? सॉरी कम बैक। जिनको थायराइड है अगर वो वेट लॉस करना चाहती हैं तो क्या करें, क्या यूज करें? पहले डाइट करें, डाइट में आप अपना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इनटेक को देखें, राइट। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप किसी डाइटिशियन को भी सपोर्ट मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उसके सपोर्ट के लिए। सेकेंडली एक्सरसाइज करें, वॉक, या देखिए मैं हमेशा कहती हूँ एंड आई थिंक सुभाषी सर विल एग्री, हम हमेशा हर एक सेशन में ये कहते हैं कि आपका लाइफस्टाइल पहले अच्छा करिए, बेस है वो आपका, आपका बिल्डिंग जिस पे खड़ा है वो नींव मजबूत होनी चाहिए, राइट, तब आपका बिल्डिंग खड़ा रहेगा, है ना। तो बेस है आपका डाइट और एक्सरसाइज। उसके अलावा अगर आप सप्लीमेंट्स की अगर मुझे बात कर रहे हो, सो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दे सकते हो ऐसे पेशेंट्स को जिनको वेट बढ़ाना है और थायराइड है। और हाँ, जैसे मैंने एक और आपको प्रोडक्ट बताया था, याद है, एक त्रिफला था और एक अपना ये वेट लॉस के लिए एक और प्रोडक्ट था अपना गार्सिनिया कंबोजिया वाला, करेक्ट, वो आप दे सकते हो। सर्वफिट यस राइट। सो ज्योति जी पूछ रहे हैं जेनेटिकली अगर कोई वीक है
तो क्या दे सकते हैं? स्पेसिफिकली आप मुझे पूछे ये सवाल. जेनेटिकली वीक का मतलब मैं समझ नहीं पा रही, मतलब बहुत सारे मायने हो सकते हैं इसके. अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम कर सकते हैं ज्योति जी, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस ले लेती हूँ. आप लिख सकते हैं चैट में कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली. ओके, रुचिका जी पूछ रहे हैं, माय डॉटर इज वेरी लीन, व्हाट शुड वी प्रोवाइड? इवन शी कैन टेक एनी ऑयली थिंग्स, शी हैज रेगुलर अल्सर्स इन माउथ. ओके, अगर देखिए ये जो आपने ये सारा प्रॉब्लम्स जो बताया है ना क्वेश्चन में, मैं एक ही चीज मेरे दिमाग में सबसे पहले आई है, वो ये कि बच्चा जो है आपका वो खाना ठीक से या तो नहीं खा रहा है और उसको डेफिशिएंसीज हुई है मैम. उसको मुंह में अल्सर होना बार बार, उसका वजन नहीं बढ़ना, ये एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है. वो ये है कि उनके बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है. ओके, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन कहते हैं इसको, PEM. प्रोटीन की कमी है, एनर्जी की कमी है और न्यूट्रिएंट्स की कमी है. ठीक है, सो आप प्लीज एक अच्छा सा, अगर वो खाना नहीं खा रही है तो आप किड्स केयर के प्रोटीन्स दे सकते हैं, किड्स प्रोटीन वाला पाउडर, किड्स प्रोटीन पाउडर. सेकेंडली आप उसको कितने साल की है वो ये नहीं लिखा है ना उन्होंने. नहीं नहीं नहीं. अच्छा ओके, नहीं तो मैं और सजेस्ट करती, बट एनीवेज आप किड्स प्रोटीन पाउडर से तो स्टार्ट कर. अच्छा का 17 है, हाँ तो आप किड्स प्रोटीन केयर दे सकते हैं इनको एक दो साल के लिए. उनका अब्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा, प्रोटीन इनटेक बढ़ेगा उनका. सेकेंडली डाइट पे ध्यान दीजिए. ओके, एंड थर्डली अगर वो लाइक यू नो उसका अगर फोकस और कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको कोई भी मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं अपना. ओके, 17 इयर्स. हाँ उन्होंने लिखा 17, करेक्ट. सो 17 साल की है वो, सो यू कैन गिव दैट, या 16 17, व्हाटएवर. ओके रुचिका, किड्स प्रोटीन पाउडर से शुरू करें प्लीज. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अभी बहुत सारे सवालों का आंसर हो गया और जितने सारे सवाल हैं आई थिंक ये आज के रिलेटेड नहीं है. सो आप जो टॉपिक के ऊपर सवाल कर रहे हैं वो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है. आप हमारे सर्वश्री हर्ब्स यूट्यूब पेज को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उधर आपके सवालों का आंसर डाला हुआ है. एंड उस वीडियोस को अगर आप रिपीट देखें तो आपके आंसर्स मिल जाएंगे. और जितने सारे लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि कब से ले, कितने साल से ले, मतलब कैसे ले, कोई पूछ रहे हैं कि वो प्रोडक्ट्स के जो PPT का पेज है उसको देखने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग यूट्यूब में ये दोपहर तक आई थिंक ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगा यूट्यूब में. सो आप देख लीजिए एक बार, तो क्योंकि अगर सब सवालों में जाएंगे तो ये तो रात तक खींचेगा ये वेबिनार, राइट. सो थैंक यू सो मच. अच्छा वंदना जी जो सवाल किए थे आपने पूछा था, तो उनको पर्टिकुलरली जॉन्डिस है और फैटी लिवर है. ओके, फैटी लिवर भी है, जॉन्डिस भी है. हाँ ओके, तो जॉन्डिस क्योर होने दीजिए पहले. वैसे कोई प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है मैम, लिवर का कोई इसमें इशू नहीं होता है. बट हाँ जी बिल्कुल, आप वे प्रोटीन का जो मैंने सजेस्ट किया आपको वो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है. इवन इफ जॉन्डिस है, बट जॉन्डिस के लिए आप आई होप ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो पहले क्लियर होने दीजिए. फैटी लिवर अपने आप जाते जाते जाएगा, ठीक है. राइट, सो और एंड में टिंकू जी का एक सवाल था कि थायराइड में फैटोलिन दे सकते हैं या नहीं. या यू कैन गिव फैटोलिन, से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एग्जैक्टली, सो ये जो मतलब मिसकम्युनिकेशन हो रहे हैं या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, थायराइड में बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं थायराइड में कैसे वेट कम करना है. सो आई थिंक मैम भी एग्री करेंगे कि पहले थायराइड को पहले आप ठीक करवाइए. exactly. हमारे सर्वश्री के बहुत सारे थायराइड इज द बेस्ट 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 टैबलेट फॉर दैट. एग्जैक्टली, सो पहले थायराइड के ऊपर आप काम कीजिए, फिर वेट लॉस अपने आप कई हद तक हो जाएगा, फिर बाद में सजेशन लेके आप इस्तेमाल कीजिए. और भी अगर आपका कोई सवाल है मन में तो सर्वश्री का एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, वो हमेशा आपके सेवा के लिए प्रस्तुत है. सो आप कॉल कर सकते हो, कस्टमर केयर में कॉल करके आप नंबर मांग सकते हो, या फिर अगर आपके पास नंबर्स हैं
तो व्हाट्सएप या कॉल करके आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे सर्वश्री के ट्रेनर से. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल वेबिनार. एंड वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इतना नॉलेजेबल एक सेशन हम लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीबॉडी. आपसे फिर से मुलाकात होगा अगले ट्यूसडे को, फिर और एक सेशन में और एक एक्साइटिंग सीरीज को लेते हुए सर्वश्री के हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में. एंड दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगा कल सुबह ठीक 8 बजे ब्यूटी केयर सेशन में, जहां पे अनुषा मैडम रहेंगी हमारे साथ और हम लोग ब्यूटी केयर के कोई एक सीरीज को लेके ऐसे ही डिस्कशन करेंगे. आप अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग एंड में सवाल कीजिए. राइट. सो थैंक यू सो मच. विश यू अ वेरी वंडरफुल डे अहेड. आपका दिन बहुत ही शुभ हो. सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी एक साथ मिलकर कहते रहिए क्या, जय सर्वश्री. थैंक यू सो मच.